स्टूडेंट्स वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट आज के हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में सो वेन एवर वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट दिस इज अ पार्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट तो इसमें हम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट वॉट इज टाइम टाइम इज अ लिमिटेड एंड इ रिवर्सिबल इट इज अ रिसोर्स विच इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एंड यूज अकॉर्डिंगली यहाँ पर टाइम क्या है टाइम हमेशा एक लिमिटेड है और इिवर्सिबल है जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन ठीक है तो यहाँ पर इसी तरीके से टाइम है विच इज़ इवर्सिबल तो जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहले हमें क्या करना चाहिए अपने टाइम को कैलकुलेट कर लेना चाहिए ठीक है हमेशा टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना चाहिए तो टाइम को हम किस में मेजर करते हैं इट इज़ मेजर्ड इन ईयर्स मंथ डे आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड राइट ये क्या होता है हमारे पास टाइम होता है इफ़ टाइम इज नॉट मैनेज प्रॉपरली इट कीप्स स्लीपिंग अवे इंस्पाइट ऑफ आवर एफर्ट्स टू कंट्रोल इट कंट्रोल इट अगर आपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करा तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा और कभी भी टाइम किसी के लिए भी रुकता नहीं है बिकॉज टाइम इज इिवर्सिबल टाइम को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो नो मैटर हाउ इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एंड इंडिविजुअल में वन केन नॉट स्टॉप टाइम नो स्लो डाउन और स्पीड अप आप आप किस कोई भी कितना इम्पॉर्टेंट हो ठीक है कितना वैल्यूएबल पर्सन हो बट कोई भी टाइम को नहीं रोक सकता है क्योंकि टाइम क्या है कभी किसी के लिए रुकता नहीं है ना वो स्लो होता है वो अपनी स्पीड से क्या है चलता रहता है तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम हमें मैनेजमेंट आना चाहिए इट इज़ असेंशियल टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो आप सभी को आनी चाहिए क्योंकि टाइम एंड टाइम्स वेट फॉर नन ठीक है तो ये टाइम मैनेजमेंट की बात थी नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है टाइम मैनेजमेंट का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम ठीक है टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि हम अपने गोल्स को यहाँ पर क्या कर सके पूरा कर सके चाहे इसमें इंडिविजुअल गोल हो चाहे इसमें ग्रुप गोल हो तो टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि हम अपने गोल्स को कितने टाइम पीरियड में हम कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है जैसे हमने गोल्स पढ़े थे यहाँ पर इंडिविजुअल गोल्स थे दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स इंडिविजुअल गोल्स सेकेंड वन इज़ ग्रुप गोल ठीक है और भी हमने काफ़ी सारे टाइप के गोल्स पढ़े थे तो यहाँ पर जो भी गोल्स हैं ठीक है उस सभी में क्या होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए अगर आप टाइम को मैनेज करोगे तो ही अपने गोल्स को क्या कर सकते हो अचीव कर सकते हो सो वेन एवर आई टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टाइम सो दैट यू कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है मिनिमाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम टू कंप्लीट अ टास्क विदाउट ऑल्टरिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड अचीविंग अ बैलेंस इन यूज ऑफ वर्क रेस्ट एंड लेजर टाइम टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेजर टाइम आपका होता है जिसमें आप पूरे दिन की कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो ठीक है जैसे कुकिंग करना प्लेइंग कुकिंग वॉचिंग टेलीविजन ठीक है ये सारे किस में आती है लेजर एक्टिविटीज में आती है तो यहाँ पे जब भी आप हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारी लेजर एक्टिविटी आती है हमारा काम आता है हम रेस्ट करते हैं एंड टू अचीव द दिस इज डन टू अचीव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो इस सभी के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आएगा तभी आप अपनी सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे प्रिंसिपल क्या है टाइम मैनेजमेंट का आर रिकॉग्नाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लीजर कंसिडरिंग द नीड ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स वाइल मेकिंग टाइम एंड एक्टिविटी कंसिडरिंग द टाइम कॉस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज वाइल मेकिंग प्लान ऑफ एक्शन एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक एक्टिविटीज जब भी आप कोई एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें हमें क्या ध्यान देना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए अब यहाँ पर प्लानिंग क्या है देखिए जब भी आप कोई भी अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप आता है वो कौन सा आता है प्लानिंग आता है राइट प्लानिंग के बाद क्या आता है उसको हम कंट्रोल करते हैं ठीक है ठेके? प्लानिंग के बाद हम कंट्रोल करते हैं देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं ठीक है ऑर्गेनाइज के बाद हम इसको इवेलुएट करते हैं या इंटरप्रिटेट लिख सकते हो इंटरप्रिटेशन अब ये जो सारे स्टेप्स है दिस इंक्लूड्स ऑल्सो मैनेजमेंट इसमें भी क्या चाहिए टाइम मैनेजमेंट चाहिए सपोज करो आप कोई काम कर रहे हो ठीक है आप सपोज करो कुकिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल ठीक है यू आर कुकिंग तो जब आप कुकिंग कर रहे हो तो सबसे पहले कुकिंग करने के लिए आप पहले डिश प्लान करोगे कि हमें क्या प्लान करना है फिर कंट्रोल करोगे ठीक है मतलब ज़्यादा टेम, इतना टेम्परेचर रखना है इसमें इतना पानी डालना है इतना आपको शुगर डालना है इतना सॉल्ट डालना है इतने स्पाइसेस डालने हैं तो ये सब क्या करोगे आप कंट्रोल control करोगे कंट्रोलिंग के बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे मतलब जैसे सपोज करो आपको सब्जी बनानी है सब्जी कुक करनी है तो उसमें फिर आप क्या करोगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे कुकिंग करोगे देन टेस्ट करके देखते हो विच इज़ इवेलुएशन ठीक है तो इस सभी में भी इस इन सब में भी क्या चाहिए टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए तो जब भी टाइम की बात करूं तो टाइम क्या है हमेशा आप कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लो सब में क्या चाहिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए फिक्स टाइम फिक्स्ड टाइम अलॉटेड इज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ वर्क लाइक टाइम फिक्स्ड फॉर लंच गोइंग टू स्कूल और प्लेस टू वर्क एक्सेट्रा ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड विद इन द अलॉटेड टाइम बिकॉज द बॉडी गेट्स यूज टू द टाइम ऑफ वर्क लाइक टाइम टू ईट एंड स्लीप विल फोर्स द पर्सन टू ईट और स्लीप तो यहाँ पे भी हमें क्या है जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए टाइम जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है टाइम मैनेजमेंट को यहाँ पर डिसाइड करना है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जो भी आपका टाइम आप देखो कोई भी आप टास्क परफॉर्म करो तो आपको ये सारे बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए राइट अब इस चीज में क्या देखो आपकी इनसे क्या होती है स्किल्स भी एनहांस होती है ठीक है इनसे क्या है स्किल्स भी एनहांस होती है आपकी दूसरा नॉलेज भी गेन होती है ठीक है, है।, है? दूसरा क्या है यहाँ पर नॉलेज भी गेन होती है तीसरा आपको एक्सपीरियंसिस भी मिलते हैं राइट तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट से ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट हो रहा है तो आपको कुछ भी एडवांटेजेस नहीं हो रहे ठीक है आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो आपको उससे एक्सपीरियंस मिल रहा है ठीक है आपको उससे नॉलेज मिल रही है आपकी स्किल्स एनहांस हो रही है तो ये सब किस में आता है टाइम मैनेजमेंट में आता है टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है इन परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज़ सो टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ वर्क जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम एक डायरी और टाइम लॉग मेंटेन करते हैं जिसमें अपने डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं जैसे आप क्या करते हो काफ़ी लोग क्या करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ को डायरी में लिखते हैं ठीक है और यहाँ पे या फिर आप लिख सकते हो जब भी आप पढ़ाई करते हो तो टाइम टेबल आप क्या करते हो सेट कर लेते हो राइट तो इसमें क्या है जब भी इंपॉर्टेंस क्या आएगी टाइमिंग की जब भी आप डिफरेंट एक्टिविटीज या डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो तो उसको आप क्या करते हो डायरी में रिकॉर्ड करके रख लेते हो उसको मेंटेन करते हो फिर पता चलता है कि आपने कितना टाइम किस चीज़ पे यूटिलाइज़ करा है कितने घंटे आपने पढ़ाई करी है कितने घंटे आपने घर का काम करा है कितने घंटे आपने सोशल मीडिया को यूज़ किया है तो ये क्या है यहाँ पर आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो आपने एक शेड्यूल बनाया और आप उस शेड्यूल को कैसे फॉलो कर रहे हो ठीक है आपका डेली रिकॉर्ड क्या है These show how time was utilized by whom, what was the desirable result, and any comment on the achievement that in that pe uh, time period against what were the objective for the period. Now, an analysis of information recorded accurately will show the amount of time which may have been spent for. That, jesse,

तो ये सभी क्या आता है आपकी ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज आती है उसमें हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही बात करते हैं नाउ यूटिलिटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट जब हम टाइम मैनेजमेंट के यूटिलिटी की बात करते हैं मीन्स टाइम मैनेजमेंट के जब हम यूज की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है टाइम इज वन फैक्टर विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल पीपल देखिए टाइम जो है 24 फोर आवर्स वो सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ठीक है किसी के लिए ज़्यादा नहीं है किसी के लिए कम नहीं है डिपेंड कि आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो किस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो ठीक है किस तरह की एक्टिविटीज में आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हो तो उसमें हम क्या बोलते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम टाइम को टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट वन मिनट जब हम टाइम मैनेजमेंट को यूज करेंगे तो हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे आना चाहिए ठीक है हमें अपने क्लियर कट गोल्स और प्लान्स को क्या करना चाहिए आप पहले अपने क्या करो Goals देख लो ठीक है गोल्स की प्लानिंग कर लो जो मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए थे वही स्टेप्स इसमें फॉलो होंगे पहले गोल्स की प्लानिंग कर लीजिए ठीक है आपके जो भी गोल्स है गोल्स है प्लान्स है ठीक है उनको क्या करो गोल्स प्लान कर लो उसके बाद ट्रस्ट कलीग्स एंड डेलीगेट्स वर्क टू सब ऑर्डिनेट्स ठीक है फिर उसको क्या करो आप कंट्रोल करो गेट प्रायोरिटीज राइट सो दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज डन फर्स्ट एंड द रेस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस इससे क्या होगा वर्क विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड वुड नॉट मैटर वेरी मच एट द एंड ऑफ डे और कुड बी टेकन फर्स्ट थिंग नेक्स्ट मॉर्निंग विदाउट अफेक्टिंग द वर्क ऑफ अदर्स ठीक है शेड्यूल करो अपने एम्प्लॉयज का काम ठीक है उनको क्या है टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाओ एक ईजी मैनेजमेंट स्टाइल रखो ताकि लोगों को क्या हो कॉन्फिडेंस गेन हो कि वो टाइम मैनेज कर पा रहे हैं अब टूल्स जो है यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ठीक है यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में सबसे पहला आता है पीक लोड पीरियड ठीक है पीक लोड पीरियड का मतलब क्या होता है मैक्सिमम लोड ऑफ वर्क ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ठीक है हम कितना काम कर रहे हैं ठीक है जैसे आप अर्ली मॉर्निंग में आपने एक्टिविटीज प्लान करी होती है ब्रेकफास्ट बनाना है ठीक है बच्चों को स्कूल छोड़कर आना है या ये वाली एक्टिविटीज तो ये क्या है आपने कितना मैक्सिमम काम करा है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सपोज करो आपने सेवन टू एट क्या बनाया ब्रेकफास्ट एट टू नाइन क्या करो, आप house cleaning कर रहे हो आप हाउस क्लीनिंग कर रहे हो तो ये सारे क्या है यहाँ पर हम क्या करते हैं एक आपके जैसे कितना हमने मैक्सिमम वर्क किया है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो पीक लोड किस पे डिपेंड होता है कि आपने किस तरह का काम करा है कौन सी यहाँ पर एक्टिविटीज़ है इट इज़ सीन दैट अर्जेंट वर्क कंपाइल द मॉर्निंग आवर्स जैसे अर्जेंट वर्क आपके बाथिंग वॉशिंग प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट प्रिपेयरिंग लंच फॉर ऑफिस एंड स्कूल ये सारे आते हैं पीक लोड पीरियड में कि आपने मैक्सिमम कितना काम करा है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसकी बात करते हैं टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पीक लोड प्रॉब्लम नाउ इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए हम पहले ही अपने वर्क को क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं हम वर्क सिंप्लीफिकेशन इसका मतलब है सपोज करो आपको सुबह सब्जी बनानी है ब्रेकफास्ट के लिए तो आप सब्जियों को रात में ही काट करके फ्रिज में डाल दो तो वो क्या है आपका काम इजी हो गया आपने अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर लिया टाइम भी मैनेज हो गया आपकी एनर्जी भी बच गई तो इसलिए क्या है टाइम मैनेजमेंट किस करना, लिए करना चाहिए कैसे करना चाहिए हम जो हमारी कुछ प्रिपरेशन है वो हमें पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि हमारा जो पीक लोड पीरियड है वो ज्यादा ना बढ़े ठीक है द असेंशियल एक्टिविटीज शुड बी प्रोवाइडेड एंड वन शुड ट्राई टू फाइंड न्यू और इनोवेटिव मैथड टू कंजर्व देयर टाइम एंड एनर्जी तो यहाँ पे पीक लोड पीरियड में क्या है अपने टाइम एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए सेकेंड टूल आता है वर्क कव देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है पीक लोड पीरियड से और वर्क कव से पीक लोड पीरियड क्या है कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम कितनी एनर्जी चाहिए कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन अ गिवन पर्टिकुलर इन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नाउ सेकंड इज वर्क काक का क्या है दिस इज द डिवाइस कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टाइम एंड वर्क ठीक है डिवाइस कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टाइम एंड वर्क इट हेल्प्स द पर्सन टू बैलेंस वर्क एंड टाइम एंड टू सिंप्लीफाई द वर्क लोड वर्क काउ बताता है कि आपने डेली आपने एक्टिविटीज में क्या काम करा है ठीक है इट मेंटेन्स अ बैलेंस ऑफ टाइम एंड वर्क ठीक है आपने कोई काम कितने टाइम पीरियड में करा है वो आता है वर्क का जबकि पीक लोड में क्या है मैक्सिमम आपने कितना टाइम यूटिलाइज करा है इन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क द वर्क कव इज़ नॉट सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल इट इज़ सीन दैट सम पीपल आर मोर एक्टिव एनर्जेटिक इन द आफ्टरनून वेयर अदर आर फाउंड टू बी एक्टिव इन ईवनिंग ठीक है सबका जो वर्क कव है सब का जो एक्टिविटी है टाइम के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होती है क्योंकि यहाँ पर आफ्टरनून में सब एनर्ज कोई आफ्टरनून में एनर्जेटिक रहता है कोई मॉर्निंग में एक्टिव रहता है कोई इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव रहता है तो सबके वर्क कव क्या है यहाँ पर वेरी करते हैं नाउ कमिंग टू द रेस्ट पीरियड रेस्ट पीरियड क्या है द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट पीरियड कि आप रेस्ट पीरियड कितना कर रहे हैं ठीक है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तो रेस्ट पीरियड ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए ठीक है आप ज्यादा बहुत देर तक रेस्ट नहीं करोगे बहुत लंबा रेस्ट नहीं करोगे या बहुत ज्यादा शॉर्ट रेस्ट भी नहीं करोगे जितनी आपकी बॉडी को नीड है उतना ही आपको रेस्ट पीरियड रखना चाहिए ठीक है तो हम रेस्ट कैसे कर सकते हैं आफ्टर डूइंग मेंटल वर्क अ पर्सन शुड एटलीस्ट टू टू थ्री मिनट्स रेस्ट आफ्टर वन आवर ऑफ मेंटल वर्क जब वन एक घंटे कोई दिमागी काम कर रहे हैं उसमें आपको एटलीस्ट टू टू थ्री मिनट्स का रेस्ट लेना चाहिए इफ़ अ पर्सन इज इन्वॉल्व डूइंग हैवी और एनर्जी कंजप्शन अगर ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ज्यादा एनर्जी कंजप्शन चाहिए तो पर्सन को रेस्ट करना चाहिए और या फिर एक अच्छी सी नींद लेनी चाहिए ठीक है अगर यहाँ पर क्या है आपकी बॉडी पोजीशन भी क्या होना चाहिए चेंज होना चाहिए ताकि आपका रेस्ट पीरियड क्या हो इजी हो ठीक है डूइंग लाइट वर्क आफ्टर हैवी वर्क और शिफ्टिंग द लाइट वर्क आफ्टर ड्यूरिंग डिसलाइक वर्क सो द रेस्ट पीरियड कैन बी डिफाइंड एज अनप्रोडक्टिव इंटर इंटरप्शन ऑफ वर्किंग टाइम ठीक है जो आपका वर्किंग टाइम है उसमें आप कुछ अनप्रोडक्टिव कर रहे हो न फटीक एंड इट्स मैनेजमेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है ठीक है यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम फटीक को पढ़ते हैं तो फटीक कैसे का मतलब क्या होता है फटीक मीन्स टायर्डनेस एग्जोशन डिस्क्राइब अ फिजिकल और मेंटल और बींग टायर्ड एंड वीक अब हम फटीक की बात करते हैं तो फटीक में क्या होता है मेंटल आपका जो स्ट्रेस होता है टायर्डनेस होती है एग्जोशन कितना होता है ठीक है ये सब किस में आता है फटीक में आता है कि हम कितने थक जाते हैं तो फटीक क्या है एक सिम्टम है ये क्या है साइन नहीं है ये सिम्टम है कोई डिजीज नहीं है थकान सभी को होती है ठीक है वेन यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क और वेन यू आर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज तो यहाँ पर फटीक सबको होता है तो फटीक को आप कैसे मैनेज करते हो तो फटीक क्या है एक सिम्टम है फटीक एक डिजीज नहीं है ठीक है ना ही ये एक साइन है तो फटीक एक सिम्टम है जिसमें आपके पास थकान में क्या क्या यहाँ पर आपके पास सिम्टम्स आ सकते हैं हेडेक डिजीनेस ठीक है और साइन में क्या होता है जो कि पेशेंट डिटेक्ट करता है ठीक है देखो साइन और सिम्टम में डिफरेंस होता है सिम्टम्स क्या है सिम्टम इज समथिंग दैट द पेशेंट फील ठीक है जो यहाँ पे पेशेंट फील करता है और डिस्क्राइब करता है जैसे हेड हो रहा है नोजी हो रहा है डिजीनेस हो रहा है दिस इज सिम्टम एंड व्हाट इज साइन जो यहाँ पर डॉक्टर जो है जैसे पेशेंट के रैशेज है ठीक है जैसे स्किन पर रैश पड़ गए तो वो क्या है इंडिकेशन दे रहा है ठीक है उसको डॉक्टर क्या कर रहा है डिटेक्ट कर रहा है तो साइन इज अ काइंड ऑफ इंडिकेशन राइट right? अब फटीक के रीजन क्या हो सकते हैं सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर कौन से हो सकते हैं एटीट्यूड टूवर्ड्स तो वर्क ज्यादा काम करें तो फटीक हो गई काम में इंटरेस्ट नहीं है इमोशनल स्ट्रेस है ठीक है सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कोई डिजीज है या फिर आप बहुत समय तक स्टैंडिंग पोजिशन में खड़े होके काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का लैक है फिजियोलॉजिकल हिंडरेंस है ठीक है तो ये सारे आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं फॉर द फटीग नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं पोल्यूटेड एयर ठीक है air, आप पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है जो कि फटीगनेस कोस करता है स्टोरेज स्पेस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्क एरिया इनसफिशेंट लाइट है ठीक है सरकम आपके अच्छे नहीं है काम करने के हैवी वर्क कर रहे हो अनस्टेबल वर्क कर रहे हो एंड एक्सेसिव नॉइस अराउंड वर्क बहुत ज्यादा नॉइस है ठीक है ये आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में फटीक के टाइप कौन से होते हैं फिजियोलॉजिकल फटीक एंड साइकोलॉजिकल फटीक फिजियोलॉजिकल फटीक कौन से होते हैं जिसमें यहाँ पर मस्कुलर वर्क इज डन एंड एनर्जी इज कंज्यूम ठीक है ये आपके सारे ब्रेन रिलेटेड होते हैं साइकोलॉजिकल फटीक जो उसको आप मेंटल फटीक बोलते हो और फिजियोलॉजिकल इज रिलेटेड टू द बॉडी मसल्स फटीक ठीक है जो आप काम कर रहे हो तो मसल्स में जो आपको फटिकनेस होती है थकान होती है वो आती है फिजियोलॉजिकल फटीक में तो फिजियोलॉजिकल फटीक में क्या है मस्कुलर वर्क इज डन एंड एनर्जी इज कंज्यूम्ड फटीक रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ अनविलिंगनेस टू कंटिन्यू द वर्क आपको काम करने का मन नहीं करता है फीलिंग ऑफ टायर्डनेस हमेशा थकान रहती है ठीक है फियर फीलिंग ऑफ ऑल सच

फिजोलॉजिकल फटीक इज एन ओरिजन ऑफ एंथज कोज्ड बाय ऑब्स्टैकल रोड लॉक्स और एडेड रूल्स एंड कॉन्स्ट्रेंट नॉट टू बी कन्फ्यूज विथ स्लीप रिलेटेड ब्रेन डेफिशियंसी ठीक है यहाँ पे साइकोलॉजिकल फटीक का मतलब ये नहीं है कि आपके में ब्रेन डेफिशियंसी हेजीनेस मेमरी लॉस ठीक है जबकि साइकोलॉजिकल फटीकनेस क्या है इमोशनल फटीकनेस स्परिचुअल और एटीट्यूडिनल कॉम्पोनेट्स ऑफ आवर स्किल आवर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड आवर आउटपुट तो साइकोलॉजिकल फ़टीक को आप कंफ्यूज मत होना फिजियोलॉजिकल फटीक से जैसे यहाँ पर आपके कुछ आपके यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल फटीक होती है उसमें डिप्रेशन ठीक है एनीमिया स्लीप डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से आपको हमेशा थकान रहती है जैसे मान लो कोई डिजीज है डिप्रेशन है ठीक है एनीमिया है तो हमेशा नींद आती रहती है इंसामिया नींद नहीं भी आती है एनहाइपोथर तो ये सारे किस में आते हैं फिजियोलॉजिकल फटीक साइकोलॉजिकल फटीक भी आते हैं अब साइकोलॉजिकल फटीक हमारे पास दो तरीके के होते हैं एक बॉर्डम फटीक एक फ्रस्ट्रेशन फटीक बोडम फटीक क्या है जब आप किसी भी काम को करना पसंद नहीं करते अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हो तो उसकी वजह से बॉडम फटीक होती है बट दैट बेसिकली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क पर्सनल टेस्ट एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क फैमिली एंड द प्रेशर ऑफ वर्क तो ये क्या है बॉर्डम ऑफ फटीक फ्रस्ट्रेशन फटीक कौन सी होती है जब आपने कोई अपने आपके गोल्स पूरे नहीं होते ठीक है जब आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती कंट्रोलिंग अच्छी नहीं होती फेल हो जाते हो आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो इसकी वजह से क्या आता है फ्रस्ट्रेशन फटीक यहाँ पर आती है नाउ हम फटीक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं ठीक है ए फटीक वर्कर विल नॉट बी एबल टू वर्क एनर्जेटिक एनर्जेटिकली सो बाय फॉलोइंग सम मेथड वन कैन रिड्यूस द फटीक हम फटीक को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है फटीक को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क जब आप ज़्यादा घंटे काम करते तो आपको ज्यादा फटीक होती है इसलिए जो ये लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क है दैट शुड बी रिड्यूस आपको इनको क्या करना है कम करना है मतलब कम घंटे काम करना है ताकि फिजियोलॉजिकल आपकी साइकोलॉजिकल फटीक जो है वो आपका क्या हो फीकनेस ज्यादा ना हो रेस्ट पॉजिज आपको क्या करना चाहिए रेस्ट पीरियड लेना चाहिए जब भी कोई आप टास्क को परफॉर्म कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज रेस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग अ एक्टिविटी नेक्स्ट यहाँ पे इंप्रूविंग एन्वायरमेंटल कंडीशन अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्या करना चाहिए इंप्रूव करना चाहिए देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशन, प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन होना चाहिए नॉइस को अगर रिडक्शन करना है नॉइस रिडक्शन के लिए क्या होना चाहिए ताकि यहां पर नॉइस पोल्यूशन भी ना हो साथ साथ यहाँ पर आपकी फटीगनेस भी ना हो क्योंकि नॉइस पोल्यूशन से क्या होता है हेडेक डिजीनेस जिसकी वजह से यहां पर साइकोलॉजिकल फटीक हो सकती है जॉब रोटेशन ठीक है पर्टिकुलर वही है कि ज्यादा घंटे तक काम नहीं करना है सम वर्कर स्टार्ट फीलिंग बोर एंड टायर्ड वाइल वर्किंग रिपीटेडली ऑन द सेम जॉब सेम जॉब पर सेम बॉर काम कर रहे हैं इसलिए जिसकी वजह से यहाँ पर बॉडम और फटीक हो सकता है तो आई होप आपको ये फटीक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ठीक है और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी समझ में आ गया होगा तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए So thank you so much, bye and take care everyone.